अंदर हाईवे है, यहाँ पर जो है तो आप देखना चाह रहे हैं अब यहाँ पर असदुद्दीन अवैसी साहब की जो है यहाँ पर मगरिब के बाद में जो है तो सभा का इंतज़ाम किया जा रहा है। और हम यहाँ पे कुछ MIM के कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे जो है तो बात करने की जानने के लिए हम थोड़ा जाएंगे उनके पास। हम जाते हैं, आपके नगर सेवक पटेल साहब है। पटेल साहब, क्या यहाँ पर जो है तो ये असद अवैसी साहब की जो तैयारियाँ जो चढ़ी है तो क्या बोलना चाहेंगे आप यहाँ पर? औरंगाबाद लोकसभा मतदान संघ से 2019 का कॉन्टेस्ट कर रहे हैं हमारे आमदार इम्तियाज जलील साहब। यहाँ असदुद्दीन अवैसी साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खासदार, उनकी सभा है शाम में 6 बजे किराड़पुरा अनस मस्जिद के सामने। तो औरंगाबाद के अंदर असद अवैसी साहब जो है तो 4 बजे आ रहे हैं, तो उनका कितने दिन उनका दौरा रहेगा? ये दौरा तो 20 तारीख तक है, 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख, 20 तारीख। इसमें से 16 तारीख को यहाँ किराड़पुरा में जाहिर सभा है 6 बजे, 19 तारीख को जामिंदा लॉज में है शाम में 6 बजे। कितने लोग आने की संभावना है यहाँ पर? अब लोग तो उनके तो मोहब्बत के चाहने वाले तो बहुत है साहब, हम क्या गिनती नहीं लगा सकते कुछ चीज़। थैंक यू। 6 दिनों तक के लिए अपना नाम बदल दो। अगले 6 दिनों तक के लिए अगर किसी को अपना तारुफ करे तो अपना क्या नाम कहेंगे? क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? अरे वो सही में भूल गया मेरा नाम क्या है। लेकिन एक बात सुन लो, जितने भी लोग अगर 6 दिनों तक के लिए अगर इम्तियाज जलील बनकर काम करेंगे तो 23 मई के दिन जब नतीजे आएंगे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन एक बात और भी समझ लो, अगर सब जने इम्तियाज जलील बन गए तो कोई ऐसा ना हो जाए कि जब जीत कर आ जाए तो सब एयरपोर्ट पे खड़े रहे कि मैं भी जाऊंगा दिल्ली, मैं इम्तियाज जलील था। सर्टिफिकेट लेने के लिए पूरे के पूरी कौम लाइन में खड़ी हुई है, ओ साहब मैं हूं इम्तियाज जलील। भाइयों, मैं सिर्फ आप लोगों को ये कहने के लिए यहां पर आया हूं। मुझे मालूम है कि आप लोग असद साहब को सुनने के लिए आए थे, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं। आज 6 बजे असद साहब हेलीकॉप्टर से नांदेड़ से रवाना हुए औरंगाबाद आने के लिए तकरीबन 20 मिनट तक वो हेलीकॉप्टर के अंदर बैठे रहे, 20 मिनट तक हेलीकॉप्टर का सफर तय कर लिए। लेकिन नांदेड़ में आज इतनी आंधी, इतना तूफान और इतनी मूसलाधार बारिश, इतनी तेज बारिश हुई कि मौसम खराब हो गया। हेलीकॉप्टर पायलट ने कहा कि हम इस मौसम के अंदर औरंगाबाद पहुंच नहीं सकते। असद भाई ने वहीं से फोन करके कहा कि मौसम खराब है, पायलट कह रहा है कि हम ये मौसम में जा नहीं सकते। लेकिन मैंने पायलट से कहा कि नहीं, मेरा औरंगाबाद जाना बहुत जरूरी है। पायलट ने कहा कि नहीं, ऐसे मौसम में ये हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता, खतरा हो सकता है। असद साहब ने फोन करा तो हमने कहा कि असद भाई, किराड़पुरे की आवाम आपको कल सुन लेगी, हमारे लिए आपकी जान से बढ़कर कुछ नहीं है। असद भाई, आपकी जान हमारे लिए मायने रखती है। असद भाई, कल आज रात वो हेलीकॉप्टर छोड़कर बाय रोड वो निकल चुके हैं, लेकिन चूंकि आचार संहिता लगी हुई है सिर्फ 10 बजे तक बोलते हैं। मैंने आते ही हाजी साहब से कहा कि हाजी साहब, इतने सारे लोगों को हम मायूस नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ जमा हुए हैं तो असद साहब को देखने और उनको सुनने के लिए
मैं आपको जबान दे रहा हूं कि असद साहब 4 दिन यहां पर रहेंगे, एक जलसा इंशाल्लाह दोबारा यहां पर किरारपुरे में असद साहब का यहीं पर हम लेंगे। डॉक्टर साहब, हाजी साहब, मैं खुद मैं जानता हूं आप लोगों की कितनी मायूसी रही होगी, लेकिन दोस्तों कुछ बातें अल्लाह की मर्जी कि जो भी थी वो हमें कबूल करना है। आप लोग आए, मैं इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ आने वाले 4 दिनों में जैसे ही हम पुलिस की परमिशन हासिल कर लेंगे, इसी जगह के ऊपर दोबारा, हमने तो कल के लिए ही कहा था, लेकिन कल के लिए जैसे ही अगर हमारी परमिशन मिल जाती है तो ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन आने वाले 4 दिनों के अंदर